नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से हमारे इस न्यूज चैनल में स्वागत है। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रचंड बहुमत के साथ दोबारा सत्ता में आए पीएम नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर भव्य आयोजन किया गया था। मोदी के इस शपथ ग्रहण समारोह में बिम्सटेक राष्ट्रों के समेत 14 देशों और तमाम जानी मानी हस्तियों के साथ एनडीए के तमाम नव निर्वाचित सांसदों समेत विपक्ष के कई बड़े नेता, उद्योग जगत के दिग्गज, फिल्मी सितारे, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल शामिल हुए। लेकिन इन सब के बीच एक सबसे बड़ी बात यह रही कि भोपाल से बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर शपथ ग्रहण समारोह में हाजिर नहीं रही। दरअसल प्रज्ञा ठाकुर को समारोह में शामिल होने के लिए एक ही पास दिया गया था, जबकि वे अपने सहयोगियों के लिए और पास की मांग कर रही थी। पास नहीं मिलने से नाराज प्रज्ञा ठाकुर दिल्ली में होने के बावजूद शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुई।